नमस्ते, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक दीदी ने मेरे से बोला था इस वीडियो को बनाने के लिए कि दीदी आप फेस के जो हेयर होते हैं उन्हें रिमूव कैसे करते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाओ क्योंकि आपके फेस पे एक भी हेयर नहीं है। मैंने बोला हाँ, कोशिश करती हूँ बताने की। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं बता रही हूँ। उसके लिए हम कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कोई वो बताते ना बेसन लो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं करेंगे। केवल अपना घर का, मतलब ये सोच लो मेरी मम्मी करती आ रही है, मैं उन्हीं को देख देख के मैं भी करती हूँ। बस इससे पहले, बताने से पहले मैं एक बात बोल देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटी होती है, बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी की जो वीडियो है आप तक पहुँच सके, और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो मुझे फॉलो करके अनफॉलो करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और जो लोग ये कहते हैं कि दीदी कमेंट का जवाब लड़की चॉइस करके देती हैं, तो उनके लिए एक बात कह देती हूँ, मेरे यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं बैठा है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मेरा किसी से पर्सनल अटैचमेंट है। जो भाई मैं लड़की चॉइस करके कमेंट का जवाब दे देती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को कमेंट का जवाब शायद हजम नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो इसलिए वीडियो देखा करो, अब से वीडियो देख लिया करो, वीडियो में ही सारी चीज़ें बताती हूँ। और अलग से अगर मेरे से कोई पूछना चाहता है तो उसके लिए सॉरी, कुछ नहीं मिलेगा अलग से पूछने के लिए, वीडियो है, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछोगे तो मैं बताऊंगी। अगर मुझे लगेगा वीडियो से हटके कुछ पूछ रहे हो तो मैं नहीं बताऊंगी, और वीडियो में जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं उनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ऐसे में किस किस को बताऊंगी, ठीक है। तो इस बात का आप पर्सनली ध्यान रखा करो कि मेरे को कमेंट करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि जितना मैं कमेंट का जवाब देती हूँ ना, उतना कोई दे जाए ना तो मेरे को बोलना, ठीक है, तब मेरे पे उंगली उठाना, इससे पहले उंगली नहीं उठाना, ठीक है। और एक बात, जितना जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही वीडियो आएगी, मैं कोई बेफालतू बैठी नहीं हूँ, रोज़ रोज़ का वीडियो मैं डाल दूँ, मेरे घर में भी बहुत काम होता है। और एक दीदी ने मुझे एडवाइस दी थी, आप अपनी मम्मी को फ़ोन क्यों नहीं पकड़वा के बनवाते हो वीडियो, मेरी मम्मी घर का काम करती है, ठीक है, मेरे बदले का काम भी मेरी मम्मी करती है, जिस दिन अगर मैं वीडियो बनाती हूँ उस दिन मेरे बदले का काम मेरी मम्मी करती है। अगर मेरी मम्मी भी दो दो घंटे तक इसी में बैठी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा, कौन करेगा, आपके घर वाले आ जाएंगे मेरे घर पे काम करने। तो इसलिए मुझे एडवाइस देना बंद कीजिए, क्योंकि मैं जितना सादा सिंपल रहती हूँ उतना मत समझो मुझे कि मैं जवाब देना नहीं जानती, मुझे जवाब देना आता है, तो इसलिए मैं प्यार से ही बोल रही हूँ, ठीक है। इसलिए यही बोल रही हूँ, जो भी कमेंट करते हैं और जो मुझे फॉलो करके अनफॉलो करते हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू, ठीक है। जिनको अगर सबर है तो वो रुकिए, और जिनको सबर नहीं है वो जा सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम फेस के हेयर रिमूव के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमें फेस वॉश लेना है, जो मैंने ले लिया है, हाथों में लग रहा है मेरे, ठीक है। और थोड़ा सा लेना है हमें पानी, और मैंने पानी से पहले धो लिया है फेस, और फिर हमें फेस वॉश करना है, ठीक है। मैं इसलिए सामने करके बता रही हूँ क्योंकि एक दीदी ने बोला था, एक वीडियो बनाई थी मैंने, आपने तो फेस सामने वॉश करके बताया नहीं, तो बता देती हूँ। इसमें ना झाग नहीं आता है, इतना कम आता है, और मैंने लोशन लगा रखा है ऊपर सर पे, ठीक है। आपने ऐसे फेस वॉश कर लिया, लगा लिया अपने फेस पे,
तो आपको एक कपड़ा लेना है कॉटन का, ठीक है, प्योर कॉटन का कपड़ा लेना है आपको, है ना, जैसे आपके मम्मी के पुराने पेटीकोट हो, ठीक है, पेटीकोट समझते हो ना आप, जैसे पेटीकोट हो तो आप वो ले लिया करो, ठीक है, उनके टुकड़े ऐसे कर करके रख लिया करो। तो फिर ये लेना है आपको, है ना, और इसे थोड़ा सा पानी में ऐसे करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा पानी में करना है कॉटन के कपड़े को, ठीक है, ऐसे करना है आपको इसको। फिर इस पे लेना है आपको फेस वॉश, ले लिया, इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है, इसको करने के बाद को आपको ये रोज करना है। आप ये रोज करोगे तो आपके जो फेस के जो हेयर है ना बिल्कुल ही चले जाएंगे, और कभी आपके, मतलब रोज करते रहोगे तो कभी नहीं आएंगे। आप कोई सी भी क्रीम इस्तेमाल करो, ये फेस पर जो हमारे हेयर आते हैं ये क्रीमों से आते हैं, हम जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं ना उनसे आते हैं, उनसे ग्रोथ हो जाती है हेयर की, और जो ऑयलिंग वगैरह करते हैं ना उससे भी हो जाते हैं। तो आपको ऐसे करना है इसे रोज, ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे नहीं करना इसे, ठीक है, आपको अदर साइड में ऐसे करना है, ऐसे आपको रोज करना है, ये देखो ऐसे आपको रोज करना है इसे, ठीक है, एकदम लेके आप ऐसे रोज करोगे तो वो क्रीम का असर होता है वो कम हो जाता है, तो जिससे जो बाल होते हैं हमारे उन बालों की ग्रोथ कम हो जाती है, और जो हमारे बाल होते हैं इससे जो रोज करते हैं ना तो टूट टूट के वो निकल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको इधर करना है, मैं देख लूँ, मेरे को इधर भी एक भी बाल नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना, कहीं इतना जोर दम लगा के नहीं कर देना जिससे कि आपकी खाल आ जाए, आपको नॉर्मली रोज करना है ऐसे। और एक दीदी ने बोला आपकी गर्दन पे, तो गर्दन पे भी मैं यही करती हूँ, जैसे इसे पीछे की गर्दन है तो उसको ऐसे लेती हूँ और ऐसे फेस साबुन लगा के या अपना कुछ भी फेस का लगा के, तो मैं गर्दन पे भी यही इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से आप रोज करोगे तो आपके जो फेस के हेयर है ना वो आप मानोगे नहीं, आप खुद बोलोगे कि 10-15 दिन में दीदी हमारे कम हो गए, उनकी ग्रोथ भी कम हो गई होना। पर जोर से नहीं रगड़ना, मैं एक बात का विशेष करके ध्यान रखना बात बोल देती हूँ कि जोर से नहीं रगड़ना, ठीक है। फिर इसके बाद में आप अपना थोड़ा सा फेस, ये फेस वॉश लेके और ऐसे आप करके ऐसे आपको कर लेना है। अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ, फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने फेस वॉश मतलब मुंह धो लिया है, और देखो मुंह जब आप पोंछते हो ना, मतलब अपना फेस कैसे साफ करते हो, तो कॉटन का ही कपड़ा लिया करो, प्योर कॉटन का कपड़ा, ठीक है। तो उससे आप पोंछोगे ना तो आपका एकदम फेस क्लीन रहेगा। देख लो, ये मुझे यहाँ पे पिंपल है एक,
हो गया। आज वीडियो मैं धूप में बना रही हूँ, मतलब यहाँ पे बना रही हूँ खिड़की, ये अपना जहाँ वीडियो बनाती हूँ ना मैं वहाँ बना रही हूँ। बस ये हो गया फेस के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से हाथों के लिए करते हैं, ठीक है। फेस के लिए तो इससे करते हैं हम, कपड़े से कॉटन के से जो प्योर लेना है हमें, पेटीकोट होता है ना मम्मी का, उसे उसको लिया करो क्योंकि वो पुराना हो जाता है। नया नहीं लेना, पुराना होता है ना कपड़ा, वो ही लेना, ठीक है। उससे अपने फेस को ऐसे करना, ठीक है। देख लो कितना चमक मार रहा है ना। और हाथों के लिए लेना है आपको ऐसे पत्थर आते हैं ना पत्थर, ये देखो मेरा साबुन से कैसे हो गया है साबुन से। तो आपको हाथों के लिए भी ऐसे ही लेना है, जैसे हाथों पे आपको अपना पहले साबुन लगाना है हाथों पे। जैसे आपने साबुन लगा लिया, साबुन लगाने के बाद में आपने वो साबुन को धो दिया, फिर आप पत्थर से ऐसे 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 किया करो। रोज करोगे ना ऐसे तो आपका मानोगे नहीं, पैरों के हाथों के जो भी हेयर है ना अब 8 दिन में चला जाएगा। 8 दिन में इतना कम हो जाएगा, अगर जिनके ज्यादा हैं तो वो तो 8 दिन में ही कम हो जाएंगे, और जिनके नॉर्मल है वो तो बिल्कुल ही हट जाएंगे, जैसे हमारे देख लो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और देखो मेरी कोनी भी इसी से साफ करती हूँ मैं ऐसे, ये देखो ऐसे ही मेरे घुटनों हैं पैरों के बिल्कुल एकदम क्लीन। बस इसी तरीके से आपको ऐसे पत्थर लेने हैं, ये पत्थर जो अपना चीरी आती है ना छत पे चीरी डलती है, आप नहीं समझोगे मतलब छत पे चीरी डलती है ना, हमारे यहाँ चीरी डलती है छतों पे, RCC क्या बोलते हैं, वो नहीं होता है। हमने नहीं कराया क्योंकि हमारा पुराने टाइप का घर बना हुआ है ना पहले, तो वो है। तो मेरी मम्मी ने ऐसे पत्थर ना मालूम है इकट्ठे कर करके रखे हुए हैं, तो उनसे मेरी मम्मी हेयर ऐसे करती है। तो मेरी मम्मी को एक भी बाल नहीं है ना हाथों में ना पैरों में कहीं पे भी, तो मैं भी उन्हीं को देख देख के ऐसे करती हूँ। और तब आप करोगे ना तो बिल्कुल ही आप मानोगे नहीं कि आपके जो हाथों के जो हेयर है ना वो चले जाएंगे, हाथों के और फेस के तो इसी से निकल जाएंगे अगर आप मेरी तरीके से करोगे तो, बिल्कुल निकल जाएंगे। आप मानोगे नहीं कि आपके, आप करके देखना फिर मुझे बताना, ठीक है। आप इस्तेमाल करके देखना फिर मुझे बताना। और जो मेहंदी के लिए एक दीदी बोल रही है ना कि वीडियो कब आएगा दीदी कब आएगा, देखिए मेहंदी मैं इतना लगाती हूँ नहीं, और जिस दिन लगाऊंगी उस दिन वीडियो डाल दूंगी। मेरी मम्मी को टाइम नहीं मिलता, मेरी मम्मी काम करती है, मैं अगर पढ़ने लग जाती हूँ तो मेरी मम्मी सारा काम करती है, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता क्यों मैं वीडियो डाल पाऊँ इतनी, तो इसलिए टाइम निकाल निकाल के वीडियो डालती हूँ। अभी भी पता है मैं टाइम निकाल के ही वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि नहाने वाली हूँ, तो उसी टाइम पे मैंने वीडियो बना दिया है फेस के लिए। ये देख लो ठीक है। तो इस तरीके से फेस के जो हेयर है वो हमें रिमूव करने हैं, ठीक है। और ओके बाय।